हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली वालों को इस बार सर्दियों में दम घोटने वाले प्रदूषण का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली में जगह जगह निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये एंटी स्मॉग गन जो इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सभी निर्माण कार्य स्थलों पर इस तरह की एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी, जिसमें एक कैनन होता है जिस पर पानी का प्रेशर दिया जाता है। दरअसल ये कैनन इस तरह से काम करता है कि पीछे की ओर एक बड़ा फैन लगा होता है जिसके जरिए प्रेशर दिया जाता है। कैनन की पाइप को एक टैंकर से अटैच किया जाता है और पानी के उस टैंकर से पानी का प्रेशर जो है वो निर्माण कार्य के जो निर्माण स्थल है उसके आसपास हर जगह छिड़काव करता है पानी का, ताकि जो निर्माण कार्य से उठने वाले डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको बैठाया जा सके। और इस वजह से तमाम जो आसपास का इलाका होता है निर्माण कार्य स्थल का, उस पर इस तरह से पानी का छिड़काव किया जाता है एंटी स्मॉग गन की मदद से। इसके लिए 14 टीमें भी दिल्ली सरकार की ओर से गठित की गई हैं, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर इंस्पेक्शन कर रही हैं। और अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, जहां पर ऐसी एंटी स्मॉग गन नहीं दिखाई दी थी। हर साल दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है, और पिछले साल तो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता आपातकालीन स्थिति तक पहुंच गई थी। और इसे देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार और डीपीसीसी की ओर से पहले से ही एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। एंटी डस्ट मुहिम 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दिल्ली सरकार ने चलाई है, जिसके तहत सभी ऐसे निर्माण कार्य स्थलों पर इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो पानी की बौछार है उसके जरिए डस्ट के पार्टिकल्स को नीचे बैठाया जा सके। ये जो मुहिम है इसके तहत इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो बड़ी पहल ये दिल्ली सरकार की ओर से की गई है, और 15 अक्टूबर तक इंस्पेक्शन के दौरान जिन निर्माण कार्य स्थलों पर ऐसी एंटी स्मॉग गन काम करती हुई नहीं दिखाई देंगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मान के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।